आखिर क्यों महादेव को भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करना पड़ा? ऐसी वो क्या वजह थी जिसके कारण इन दोनों महाशक्तियों को आपस में युद्ध करना पड़ा था? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वह कथा बताते हैं। ये बात उस समय की है जब प्रहलाद के पौत्र बलि के सबसे बड़े पुत्र भाणासुर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे। कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महादेव ने भाणासुर के सामने प्रकट होकर उन्हें हजार शक्तिशाली हाथ प्रदान किए, जिससे भाणासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया। लेकिन इसके साथ ही भाणासुर ने महादेव से एक और वर मांगा कि जब भी वह संकट में हो महादेव उनकी रक्षा करने के लिए आए, और यह वर भी महादेव ने भाणासुर को दे दिया। ये दोनों वर मिलने के बाद भाणासुर के अंदर अहंकार आ गया और वह तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगा। इस अहंकार के चलते उसने कैलाश पर भी आक्रमण कर दिया। तब महादेव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने भाणासुर को कहा कि उसका यही अहंकार उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, और उसकी मृत्यु के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार होगा वह इस पृथ्वी पर जन्म ले चुका है। इस बात का संकेत उसे तब मिलेगा जब उसके राज्य का ध्वज गिर जाएगा। इस बात को सुनकर भाणासुर चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि कैसे अपनी मृत्यु का कारण बनने वाले व्यक्ति को परास्त कर अमर हो जाए। यही सब हो रहा था जब भाणासुर की पुत्री उषा ने अपने सपने में एक सुंदर राजकुमार को देखा और वह उससे मोहित हो गई। उसने यह बात अपनी दासी चित्रलेखा को बताई, जिसके बाद चित्रलेखा ने अपनी शक्तियों से उस राजकुमार का चित्र बना दिया। चित्र देखकर उषा ने पुष्टि की कि यह वही राजकुमार है जिसे उसने अपने सपने में देखा था। चित्रलेखा ने कहा कि उस राजकुमार का नाम अनिरुद्ध है और वह भगवान कृष्ण का पौत्र है। इसके बाद उषा ने चित्रलेखा से अनिरुद्ध को लाने का आदेश दिया। चित्रलेखा द्वारका गई और निद्रावस्था में पड़े अनिरुद्ध को अगवा कर लिया। जब अनिरुद्ध की नींद टूटी तब उषा ने उसे अपने सपने के बारे में बताया और अनिरुद्ध भी उषा से प्रेम करने लगा। वे दोनों कुछ दिनों तक एक साथ समय बिताने लगे। इस बीच भाणासुर ने देखा कि उसके महल का ध्वज टूट कर गिर गया है। तभी उसे पता चला कि उसके महल में उसके मृत्यु का कारण बनने वाला व्यक्ति आ चुका है। इस कारण से जब वह अपने महल की तलाशी ले रहा था उसने अनिरुद्ध को उषा के साथ देखा और उसे बंदी बना लिया। वहीं द्वारका में भगवान कृष्ण को जब इस बात की जानकारी मिली तब भगवान कृष्ण और बलराम जी ने भाणासुर पर आक्रमण कर दिया। बलराम जी ने भाणासुर को परास्त कर दिया। जब भगवान कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से भाणासुर का वध करने जा रहे थे तब भाणासुर ने भगवान शिव को मदद के लिए पुकारा। तब महादेव वहां प्रकट हुए। तब ना चाहते हुए भी भगवान कृष्ण और महादेव को युद्ध करना पड़ा। यह युद्ध लंबे समय तक चलता रहा। तब भगवान कृष्ण ने मन ही मन महादेव से समस्या का उपाय पूछा। महादेव ने उन्हें सुझाव देते हुए कहा कि भगवान कृष्ण उन्हें एक तीर चलाकर निद्रावस्था में डाल दें। तब भगवान कृष्ण ने ऐसा ही किया और जब महादेव निद्रावस्था में चले गए तब भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से भाणासुर की हजारों भुजाओं को काट दिया। इससे भाणासुर का अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो गया। जब भगवान कृष्ण उसका वध करने जा रहे थे तभी महादेव निद्रावस्था से बाहर आ गए और उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि वे भाणासुर को क्षमा कर दें। तब भाणासुर ने भी अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी।